वाह जी क्या बात है चरसदा के मोटे चावलों की। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मौजूद हैं चरसदा में और हम पहुंचे हैं यहाँ पर, यहाँ की मशहूर दुकान यानी जो एक ब्रांड बन चुका है। और यहाँ पे हम खाने के लिए आए हैं और हमने यहाँ पे जो खाया वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। साथ ले जाने के लिए हमारी पैकिंग भी हो रही है क्योंकि घर वाली ने भी बड़े प्यार से कहा है कि मेरे लिए चरसदा के मोटे चावल लाजमी लेकर आने। तो जी देख सकते हैं कि कितना रश है, इनका हाथ रुकता नहीं है, बस डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं और डाले जा रहे हैं। शॉपरों में भी लोग लेके जाते हैं, ये जो डिस्पोजेबल बर्तन है उसमें भी लोग लेके जाते हैं और यहाँ पर मज़े मज़े के खाए भी जाते हैं। तो स्पेशली आप ये आए यहाँ पे खाएं पिए और दुकान का नाम आपने बोर्ड पर लाजमी देखा होगा। तो हमने भी पूछा है लोगों से तो उन्होंने कहा कि ये वाली दुकान जो है ये मशहूर है और इसका जायका सबसे अलग तलग है। ये देखेंगे भाजी खाने में, आप सोच सकते हैं कि खाने में ये कैसे होंगे, प्लेट में इतने मज़े के लग रहे हैं तो यकीनन खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये देखिए लोग जी, घरों के लिए अगर मेहमान आ जाते हैं तो हॉट पॉट में भी लेके जाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो खसूसन इस बड़े चावलों के लिए आते हैं और अपने साथ अपने घर लाजमी लेके जाते हैं। जो लोग चरसदा आए और चरसदा से मोटे चावल खाए ना और अपने साथ घर ले जाए ना, तो यकीन मानो कि मैं कह सकता हूँ कि ये लोग चरसदा नहीं आए थे। ये देखें माशाल्लाह जी बहुत प्यार से, और ये देखें शापुर में भी डाल रहे हैं, ये जी ले माशाल्लाह अल्लाह इनके कारोबार में बरकत डालें। ये देखिए जी माशाल्लाह के लोगों की कतारें लगे हुए हैं, नंबर हमारा भी नहीं आता। देखिए हमारे दोस्त भी लगे हुए हैं और पार्सल भी वो कर रहे हैं और यहाँ पे हमने मज़े मज़े का खा भी लिया है, तो पार्सल भी पैक हो रहा है और खाया भी जा रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए ये कि इस दुकान को लाजमी याद रखें और विज़िट करें। चरसदा में मोटे चावल लाजमी खाएं, क्योंकि किसी भी इलाके आप जाते हैं तो वहाँ की स्पेशल चीज़ लाजमी खानी चाहिए। मेरी वीडियो होती है खाने पीने के हवाले से, तो इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और मज़े उड़ाएं और खुश रहें, और अपनी दुआओं में अपने भाई को लाजमी याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।